को ऑटोकैड 2030 के वेरिएंट पे काम करना सिखाऊंगा। इसकी मैंने एक ड्रॉयर्स की सीरीज शुरू की है जिसमें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑटोकैड 2013 का ये जो वेरिएंट है इसको ओपन करने का, ये ऑटोडेस्क से निकला एक सॉफ्टवेयर है तो इस पर काम करने के बारे में भी सिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको इसको जो है ओपन करने का तरीका बताता हूं। आपने अपने माउस के कर्सर को ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से ये ओपन का ऑप्शन होता है, इस पर आपने क्लिक करना है। लेफ्ट, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोकैड ये ओपन होना शुरू हो गया। इसकी ये कुछ फाइल्स हैं, ये लोडिंग करने में थोड़ा टाइम लेती है और जैसे ये लोड हो जाएंगी, ये रिबन वगैरह ऑटोकैड की, ये जैसे ये लोड हो रहे हैं, लोड होने साथ ये देखिए अभी आपका ऑटोकैड जो है ये पूरा ओपन हो चुका है। ये देखिए लिखा हुआ ऑटोकैड 2013। हम यहाँ से न्यूली काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ से न्यू ड्राइंग चूज करनी है, ओपन और ओपन सिंपल फाइल्स। हम यहाँ पे न्यू काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ से जस्ट न्यू चूज करना है। जब हम आगे जाते जाएंगे तो ड्राइंग वगैरह सेव करेंगे तो फिर हम ओपन और ओपन रीसेंट, ओपन सिंपल फाइल और ये रीसेंट फाइल्स वगैरह को मैं आपको बताऊँगा कि इनका क्या काम है। अभी चूँकि हम न्यू काम करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से न्यू को सिलेक्ट करेंगे और ये आप यहाँ से आपने ये कैट ड्राइंग की होती है, ये कैट लिखा होता है, आप इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। ये देखिए अभी आपकी ये दो ड्राइंग है, ये ड्राइंग वन और ड्राइंग टू आ गया। अभी यहाँ से आपने वन जो है उसको आपने क्लोज कर देना है। ये अभी आपकी वन ड्राइंग क्लोज हो गई, उसका आप बड़ा कर देंगे। अभी ये आप सबके सामने जो है ऑटोकैड 2013 का वेरिएंट है और उसका ये इंटरफेस, ऑटोकैड का एनवायरनमेंट जिसे बोलते हैं, एनवायरनमेंट जो है वो इसका ये आपके सामने है कि ऑटोकैड क्या चीज़ है और इसमें ये क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि 2013 वेरिएंट इस्तेमाल करते वक्त सिंपल ड्राइंग और सिंपल से शेप्स और सिंपल शेप से और सिंपल ड्राइंग से कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग किस तरह बनाई जाती है, जिससे आपको जो है वो कोई प्रोजेक्ट बनाने में या फिर ऑटोकैड सीखने में आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आपके सामने ऑटोकैड ओपन किया है, इसके अंदर जो आपके आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ये सारा ऑटोकैड का एनवायरनमेंट है, इसे हम ऑटोकैड का इंटरफेस भी कहते हैं। ये जो आपके सामने आप सबको ये नज़र आ रहा है, ये इसको इंटरफेस कहा जाता है ऑटोकैड का। इसके अलावा हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं, फर्ज करें कि हम पेपर पे कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो पेपर पे ड्राइंग बनाते वक्त हमें पेंसिल की, रेजर की और इसके अलावा स्केल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम जो है वो कोई ड्राइंग बनाते हैं। ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब कुछ ऑटोकैड में दिया हुआ होता है। जिस तरह से जो है वो पेंसिल का काम यहाँ पे लाइन और पॉली लाइन वगैरह से किया जाता है और ये आर्क बनाने के लिए पेंसिल और जब इस्तेमाल की जाती है उधर ज्योमेट्री में, यहाँ पे ये बने बने पड़ी हुई होती है। ज्योमेट्री की कुछ स्क्वायर हैं, ये सर्कल और रेक्टेंगल, एलिप्स, ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो ऑटोकैड का एनवायरनमेंट है इसमें कुछ और भी है, मॉडिफाई की कमांड है। मॉडिफाई की कमांड है जो आप शेप बनाते हैं उन्हें एडिटिंग की करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब जैसे आप कोई शेप बनाते हैं, एक लाइन आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप उसे मूव करना चाहते हैं, तो मूव के लिए यहाँ पे मूव की कमांड है। कॉपी और पी, रोटेट, ट्रिम, फिलर, मिरर, ये सब कुछ मैं आगे चल के जब आपको इनके इस्तेमाल बताऊँगा तो आप फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा ये लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स में काम करना मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से उन लेयर्स को हम चूज़ किया करेंगे, वो ऑफ करके और ऑन करके उन पर काम करके मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा ये एनोटेशन है, इनमें अगर आप जब कोई लाइन लगाते हैं तो उसकी स्केल वगैरह मालूम करने के लिए और उसके अलावा कि ये कितनी बड़ी लाइन है या फिर हम कितनी लगाना चाहते हैं या किसी सर्कल का रेडियस मालूम करने के लिए, इसमें ये आप ये नीचे क्लिक करें, ये देखें कि आपके सामने इसकी ये स्केल चेक करने के लिए ये एंगल और एंगुलर और रेडियस, डायामीटर और ये लाइनर, ये जो है अलाइंड, तो ये जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं ये स्केल प्रेस करूँगा, ये पीछे चला गया। इसी तरह ये ब्लॉक्स हैं, ये जब आप कोई काम करते हैं तो उसे ब्लॉक्स की शक्ल में आप जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, क्रिएट करते हैं ब्लॉक, तो फिर आप जो है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप दोबारा से उस ब्लॉक को ऑन कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप लाइन की जो मोटाई वगैरह है उसको कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कट ऑफ लाइन्स वगैरह हैं वो यूज़ करने के लिए और ये कलर वगैरह देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी ये ग्रुप्स वगैरह हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा जब आप इन पर काम करेंगे। इसके अलावा इस एरिए को ये जो ये 2009 के रिबन का एरिया कहा जाता है,
उसके बाद ये मेन्यू बार है जिसमें ये होम इंसर्ट एनोटेट लेआउट व्यू वगैरह ये सब कुछ जो पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ये जो आपके सामने एरिया है ये नीचे इसे ड्राइंग एड्स कहा जाता है। इसमें जब आपको ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में एक्यूरेसी के लिए आप जो है वो यहाँ से ड्राइंग में जितनी भी एक्यूरेसी देना चाहते हैं वो हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सीधी लाइन लगाना चाहते हैं तो ये नीचे आपके सामने आर्थो मोड लिखा हुआ है, आप ये आर्थो मोड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और लाइन आपकी बिल्कुल सीधी लगेगी। और इसके अलावा ये एक और मिसाल मैं आपको दे दूँगी, ये ऑब्जेक्ट स्नैप्स वगैरह पड़ी हुई हैं कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका मिड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आप जो है आपको नजर नहीं आता तो यहाँ से आप जाके उसकी सेटिंग्स है उसे ऑन कर सकते हैं। तो ये मैं आगे आपको ट्यूटोरियल में इसका जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि किस लिए इस्तेमाल होता है। ये WCS है, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे कहा जाता है। और इसके अलावा ये इसकी जूम इन और जूम आउट और ये पेन वगैरह हैं, जब इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगा तो फिर आपको इसकी समझ चलेगी। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, UCS इसे बोलते हैं, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें ये एक्स हॉरिजॉन्टल है और वाई वर्टिकल है। ये आपने भी इसे पढ़ा होगा, ये FSC की बुक्स वगैरह में भी पढ़ाया जाता है और बाकी स्कूल लेवल पे भी ये पढ़ाया जाता है। तो बाकी इसके अलावा ये कमांड पैनल है, ये AutoCAD के पहले वेरिएंट से साथ आ रहा है जहाँ पे हम लोग अपनी कमांड्स पुट करते हैं और उन पे आगे जो है ये AutoCAD अपना अमल करता है। जब हम इसमें कोई कमांड देते हैं, जैसे हम लाइन की कमांड देते हैं तो ये आगे ये लाइन का फर्स्ट पॉइंट शो करता है जी कि आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। बाकी इसमें और मजीद तो कोई चीज़ इंटरफेस में नहीं रही जो मैंने नहीं बताई, तो फिर भी जो कुछ रह गया वो आप इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपको तफसील के साथ उनके ऊपर काम करके बताऊंगा। तो फिल वक्त इंटरफेस के बारे में यही कुछ बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, दुआओं में याद रखिएगा।